राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट के बावजूद आए दिन कोई न कोई घटना सामने आती ही रहती है। अब दिल्ली के आदर्श नगर से एक मामला सामने आया है। यहां मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास रविवार रात को दो व्यापारियों को बंदूक दिखाकर लूट लिया गया। दोनों व्यापारी मोबाइल के थोक विक्रेता हैं। दरअसल मोबाइल के थोक के कारोबारी अनिल अरोड़ा और मोहन गुप्ता करोल बाग से शाम के वक्त अपने कारोबार के बाद घर लौट रहे थे और आदर्श नगर एरिया से जा रहे थे। उनके पास बैग में करीब 4 लाख रुपए थे। जैसे ही वे मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे, तभी 4 युवक उनके पीछे से आकर हथौड़ी से ड्राइवर साइड का शीशा तोड़कर गाड़ी की चाबी निकाल ली और रिवॉल्वर दिखाकर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। हमारे जान का पूरा खतरा ही था, हमारे तो सिर पे सीधा रिवॉल्वर लगी हुई थी यहाँ पर। हमारे जान में तो इस चक्कर में तो बैग ले गए, अगर वो रिवॉल्वर ना होते तो मेरे से बैग थोड़ी ले जा सकते थे। वो जान के पूरी लाल बत्ती के बीच में कम से कम 200 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, किसी की हिम्मत नहीं जो बीच में आके हमारी स्पोर्ट को कोई हेल्प कर सके। आपने किसी पुलिस सहायता को कॉल किया है? यहाँ पर मैंने 100 नंबर बहुत कॉल करने की कोशिश करी गई, लेकिन मेरे 100 नंबर से मुझे कोई आंसर नहीं मिला। अब आके दूसरे पुलिस वाले आए, उन्होंने बोले 102 नंबर हो चुका इसका, इस वजह से आपकी कॉल नहीं मिली है। सर ये करोलबाग से आ रहे थे, हमारा होलसेल का मोबाइल का काम है और हमारे पीछे ही कोई बंदे लगे हुए थे हमें लग रहा है, जो क्योंकि उन्होंने आते ही गाड़ी पे सीधा अटैक करा है और गाड़ी का ड्राइवर साइड का शीशे पे हथौड़ी मार के फोड़ा है और उन्होंने चाबी निकाल ली है शीशा फोड़ते ही। चाबी निकालती ऑटोमेटिक मतलब लॉक ओपन हो गया, तो उन्होंने डोर ओपन कर लिया चारों अपना, और 4 बंदे थे, चारों के मुंह पे कपड़ा बंधा, रुमाल से बंधा हुआ, ऊपर हेलमेट पहना हुआ है उन्होंने। और उन्होंने निकालते ही कि बैग दो अपना कैश वाला बैग दो, उनको यानी इन्फॉर्मेशन थी कहीं ना कहीं से, जो भी था उनको पता था कि कहाँ का मामला है ये पूरा और कितनी देर पहले की घटना है ये बताइए। सर ये करीबन 8:30 बजे की घटना है और ये आपका ये कौन सा आदर्श नगर का ये शायद चौक है या ये रेड लाइट है, जो भी है आपको पता है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो शीशे टूटे पड़े हैं गाड़ी के। व्यापारियों के मुताबिक उस वक्त करीब 200 से 300 गाड़ियां सड़क पर चारों तरफ मौजूद थी। वहां पर बहुत सारे लोग थे लेकिन कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आया। फिलहाल आदर्श नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद बीच रोड पर ऐसी घटना पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती है। दिल्ली से नाउ द टाइम्स के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट।